नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑरेंज स्पून हिंदी। आज हम देखेंगे ऑरेंज स्पून हिंदी चैनल में साउथ इंडियन स्टाइल ट्रेडिशनल लेमन राइस कैसे रेडी करना है। ये बहुत आसानी से बन सकता है, ये बहुत स्वादिष्ट भी है। हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने लेमन राइस के लिए एक ग्लास में, एक ग्लास लंच वाला राइस है ना, वो भी ले लिया। मैंने एक ग्लास में मेजरमेंट किया। अभी इसको अच्छा साफ करना है। मैंने दो बार अच्छा साफ किया। अभी इसमें पानी डालना है। मैंने एक ग्लास में चावल ले लिया ना, यही ग्लास में मैंने तीन ग्लास पानी यूज़ कर रहा हूँ। आपका चावल थोड़ा छोटा है, आप ढाई ग्लास भी पानी यूज़ कर सकता है। मेरा चावल थोड़ा मोटा है, इसलिए मैंने तीन ग्लास पानी यूज़ किया। अभी इसमें एक चम्मच साल्ट भी ऐड करना है, नमक भी डालना है। मैंने एक चम्मच तेल भी यूज़ कर रहा हूँ। तेल डालने के वजह से चावल थोड़ा अलग अलग आ जाएगा, इसलिए इसको अच्छा मिक्स करिए। इसे कुकर में मैंने चार विसिल रख दिया। आपका चावल छोटा है, आप तीन विसिल भी रख सकता है, नहीं तो और मोटा है, पांच विसिल भी रख सकता है। आपको चावल के वजह से आप विसिल रख लीजिए। अभी हमारा चावल रेडी हो गया। हमको गर्म चावल नहीं चाहिए, इसलिए ये चावल को पूरा एक प्लेट में डाल के ठंडा करना है। इसे गरम में चम्मच यूज मत कीजिए। अभी हमारा चावल पूरा ठंडा हो गया। हमने एक ग्लास चावल ले लिया ना, इसका इतना मीडियम साइज का एक नींबू सही हो जाएगा। ज़्यादा जूस नहीं चाहिए, एक ग्लास के लिए एक टेबलस्पून हमका नींबू रस सही हो जाएगा। अभी इसका रस निकालना है। हमको क्लियर जूस चाहिए इसका, इसलिए अंदर से सीड्स निकालना है। अभी हमारा रस रेडी हो गया। अभी लेमन राइस फ्राई के लिए ये कढ़ाई में ऑयल डालना है। मैंने तिल का तेल यूज़ कर रहा हूँ, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकता है। मैंने ये स्पून में तीन चम्मच यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि चावल बॉईल करने के टाइम में भी एक चम्मच तेल यूज़ किया ना, इसलिए अभी एक छोटा चम्मच चना दाल डालना है और एक छोटा चम्मच उड़द दाल और एक छोटा चम्मच राई भी डालना है। यह अच्छा फ्राई होने के बाद इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता डालना है और थोड़ा सूखा वाला मिर्ची भी डालना है और थोड़ा हींग और छोटा चम्मच थोड़ा हल्दी का पाउडर डालना है। पहले ये सब का अच्छा मिक्स करना है। ये 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाएगा। अभी गैस को बंद करना है। मैंने अभी गैस को बंद कर दिया। गैस बंद करने के बाद ही लेमन का जूस डालना है, नहीं तो पहले मत डालिए गरम में, फिर कड़वा हो जाएगा आपका राइस, इसलिए गैस बंद करने के बाद आप लेमन जूस डालना है। देखो ये अच्छा मिक्स करने के बाद हमारा बॉईल का राइस है ना, वो थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें अच्छा मिक्स करना है। यही है साउथ इंडियन ट्रेडिशनल लेमन राइस। इसमें कुछ पानी नहीं यूज़ करना है, कुछ गर्म करना है, कोई भी मत कीजिए। यही है ट्रेडिशनल हमारा साउथ इंडियन स्टाइल लेमन राइस है। ये आप सब ट्राई कीजिए, ये बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। यही सेम मेथड आप यूज़ कीजिए। अभी हमारा लेमन राइस रेडी हो गया। ये बहुत आसानी से बन सकता है, ये बहुत स्वादिष्ट भी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।